हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट सो टुडे इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मनी मैनेजमेंट तो यहाँ पर हम इस बार मनी मैनेजमेंट uh, के बारे में पढ़ेंगे तो so, इस सेशन में हम इस दिस इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट तो यहाँ पे मनी रिसोर्सिस के बारे में मनी मैनेजमेंट के बारे में इससे पहले हमने मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस किया है नाउ वॉट इज मनी मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट पर देखते हैं कि मनी मैनेजमेंट क्या होता है तो जब भी हम मनी मैनेजमेंट को डिफाइन करते हैं तो इसमें हमें क्या करना है मनी मैनेजमेंट करना है सबसे पहले हमने यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट की बात की थी अब हम यहाँ पे क्या करते हैं अब हम मनी मैनेजमेंट की बात करते हैं और सबसे पहले हमने रिसोर्सेज मैनेजमेंट की बात करी थी तो जब भी हम मनी मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पर मतलब क्या होता है द क्वालिटी ऑफ लिविंग दैट कैन बी एक्सचेंज फॉर फाइनेंशियल रिसोर्सेज इज डिपेंडेंट नॉट ओनली ऑन हाउ मच इनकम इज अवेलेबल बट मोर इम्पोर्टेंटली इन द रेगुलरिटीज एंड स्टेबिलिटी ऑफ इनकम तो यहाँ पर हमें मनी को कैसे मैनेज करना है कैसे हमें स्टेबिलिटी देखनी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जब भी हमें अपनी अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए देन वी हैव टू मैनेज द मनी ठीक है तो यहाँ पर मनी मैनेजमेंट का मतलब क्या है जो भी जितने भी हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनको हम किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं तो यहाँ पर मनी मैनेजमेंट में जितने भी हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज आएंगे ठीक है और हमारा क्या आएगा कि हम मनी को कैसे यहाँ पर मैनेज कर रहे हैं बाई मनी मैनेजमेंट वी मीन दैट प्रोसेस ऑफ बजटिंग सेविंग इन्वेस्टमेंट एंड स्पेंडिंग टैक्सेस अगर हम यहाँ पर मनी मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मनी मैनेजमेंट क्या है इट इज़ अ प्रोसेस जिसमें हम क्या देख रहे हैं बजट देख रहे हैं अपनी सेविंग चेक कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं एंड स्पेंडिंग टैक्सेस तो यहाँ पर जब भी मनी मैनेजमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे तब हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारा बजट क्या है ठीक है हम कैसे बजट बना रहे हैं कितना सेव कर रहे हैं कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं और कितना हम टैक्सेस पे अपना स्पेंड कर रहे हैं तो यहाँ पर मनी मैनेजमेंट बेसिकली किस पे डिपेंड करता है कि यहाँ पर हम हमारा सोर्स ऑफ इनकम क्या है ठीक है हम हमारी स्किल्स क्या है कि हम मनी को कैसे मैनेज करते हैं तो जब भी मैनेजमेंट की बात आती है तो हम क्या देखते हैं कि हमारा क्या है बजट कितना है सेविंग कितनी है हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं और कितना हम टैक्स में स्पेंड कर रहे हैं सो दिस इज ऑल अबाउट मनी मैनेजमेंट तो मनी मैनेजमेंट क्या है इट इज़ द एसेंशियल पार्ट ऑफ डेफ्ट फ्री लाइफ ठीक है द मनी मैनेजमेंट इज अ ब्रॉड टर्म विच इन्वॉल्व एंड इनकॉपरेट सर्विसेज एंड सोल्यूशंस अक्रॉस द एंटायर इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री तो यहां पर मनी मैनेजमेंट क्या है कि हम किस तरीके से अपने मनी रिसोर्सेस को मैनेज कर रहे हैं तो दिस इज अ स्ट्रैटेजिस्ट टेक्निक टू मेक मनी गिल्ड द हाइएस्ट इंटरेस्ट आउटपुट फॉर एनी अमाउंट स्पेंड जो भी आप अमाउंट भेज रहे हो जो भी आप अपनी अमाउंट स्पेंड कर रहे हो ठीक है वो हमारा किस में आता है मनी मैनेजमेंट में आता है अब मनी मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपस में कैसे इंटरलिंक्ड करते हैं तो सबसे पहले हम मनी को क्या बोलते हैं मनी को हम कैसे डिफाइन करते हैं द मीन्स ऑफ वैल्यूएशन एंड ऑफ पेमेंट एज बोथ द यूनिट ऑफ अकाउंट एंड द जनरली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज जिसमें हम क्या कर रहे हैं अपना मीडियम ऑफ एक्सचेंज कर रहे हैं अपने गुड्स और सर्विसेज का क्या करते हैं एक्सचेंज करते हैं यहाँ पर जनरली हम गुड्स और सर्विसेज के बारे में बात करते हैं यहां पर हम क्या कर रहे हैं अपने गुड्स एंड सर्विसेज को क्या कर रहे हैं एक्सचेंज कर रहे हैं बाय द यूज ऑफ मनी तो मनी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं इट कैन बी द ब्यूटी ऑफ लिविंग अ सपोर्ट इन मिस फॉर्च्यून एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन और सिक्योरिटी ऑफ ओल्ड एज तो ये किस में आता है हमारा मनी मैनेजमेंट में आता

होम साइंस का इसमें सबसे ज़्यादा एग्जाम किस में क्वेश्चन uh, किस में से आता है टाइप्स ऑफ इनकम में से ठीक है कहाँ से आता है टाइप्स ऑफ इनकम में से तो यहाँ पर आपको टाइप्स ऑफ इनकम बहुत अच्छे से सुनना है कि यहाँ पे कितने तरह की इनकम होती है इनकम का मतलब क्या होता है कैसे हम इनकम को डिफाइन करते हैं तो सबसे पहले अगर मैं फ़ैमिली इनकम की बात करूँ तो यहाँ पर फैमिली इनकम में क्या है पर सबसे पहले इनकम होता क्या है देखिए इनकम इज़ द इनफ्लो ऑफ मनी गुड्स एंड सर्विसेज ठीक है इनकम क्या है इट इज द फ्लो इन फ्लो ऑफ मनी गुड्स एंड सर्विसेज ठीक है आप इनकम को कैसे इन्वेस्ट कर, कर रहे हो एज अ मनी कैसे मैनेज कर रहे हो मनी मैनेजमेंट कर रहे हो ठीक है फैमिली इनकम इज द इनकम फ्रॉम ऑल द सोर्सेज लाइक सैलरी ऑफ द फैमिली मेंबर्स वेंट एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक एंड सेविंग फ्रॉम यूजिंग स्किल ऑफ फैमिली मेंबर्स तो जब भी हम यहाँ पे इनकम की बात करते हैं तो इनकम से ही क्या, क्या क्या ही कर क्या करते हो आप मनी मैनेजमेंट करते हो तो फैमिली इनकम को क्या बोलोगे इट इज अ इनकम ऑफ ऑल द सोर्सेज जैसे फैमिली इनकम में क्या आ गया जैसे आपकी सैलरी हो गई फैमिली की ठीक है जो भी आपने क्या इंटरेस्ट रिसीव करा है बैंक से या आपने जो सेव करा है वो किस में आता है फैमिली इनकम में आता है तो फैमिली इनकम आपकी एनुअल भी हो सकती है मंथली भी हो सकती है वीकली भी हो सकती है और डेली बेसिस पे भी इनकम हो सकती है तो फैमिली इनकम को आप कैसे डिफाइन करोगे जिसमें आपके मनी मैनेजमेंट की बात होती है ठीक है जिसमें हम क्या देखते हैं कि कितनी सैलरी है कितनी बैंक में आपने सेव करी है और कितना यहाँ पर आपने रिसीव करा है तो यहाँ पर फैमिली इनकम को आप एनुअल मंथली वीकली और डेली इनकम की फॉर्म में भी देख सकते हैं इनकम में भी इन द फॉर्म ऑफ इनकम आपकी वेजेस के फॉर्म में सैलरी कमीशन की फॉर्म में पेंशन की फॉर्म में बोनस इंटरेस्ट ऑन कैश प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस रॉयलिटीज रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी चैरिटीज एक्सेट्रा यहाँ से क्या आ सकती है सारी आपकी फैमिली इनकम की ये ये सोर्स हो सकते हैं ए फैमिली कैन नॉट लीड अ कंफर्टेबल लाइफ विदाउट सफिशियंट मनी सो टू लर्न अबाउट द फैमिली इनकम एंड द टाइप्स ऑफ फैमिली इनकम इज असेंशियल इसलिए यहाँ पे क्या है एक फैमिली फैमिली कैन नॉट लीड अ कंफर्टेबल लाइफ एक कंफर्टेबल लाइफ हम नहीं देख सकते बिना मनी के इसलिए हमें क्या करना चाहिए यहाँ पर मनी मैनेजमेंट हमेशा आना चाहिए तो यहाँ पर जब भी हम मनी मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो हम मनी मैनेजमेंट क्यों कर रहे हैं फॉर द क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ ठीक है फॉर द क्वालिटी ऑफ लाइफ परपसेस तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं मनी को मैनेज कर रहे हैं नाउ यहाँ से दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपका टाइप्स ऑफ फैमिली इनकम क्या है सबसे पहले अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो यहाँ पे फर्स्ट आता है मनी इनकम ठीक है मनी इनकम का मतलब क्या है इट इज द परचेजिंग पावर इन रुपीस एंड पैसा दैट गोज इनटू टू फैमिली ट्रेजरी इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम ठीक है मनी इनकम क्या है मतलब जो भी आप मनी दे मतलब जो भी आप चीजें खरीद रहे हो जो भी आप परचेज कर रहे हो दैट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ रुपीस और पैसा ठीक है तो इसको आप क्या बोलते हो मनी इनकम बोलते हो इट कम्स फ्रॉम द फैमिली इन द फॉर्म ऑफ वेजेस सैलरी बोनस कमीशन रेंट डिवाइडेंस इंटरेस्ट रिटायरमेंट इनकम रॉयलिटीज एंड अनी अदर अलाउेंसेज टू एनी मेम्बर्स ऑफ द फैमिली तो यहाँ पर मनी इनकम क्या होता है मनी आपका किसकी फॉर्म में आ सकता है वेजेस के फॉर्म में सैलरी की फॉर्म में बोनस कमीशन रेंट डिवाइडेंट इंटरेस्ट रिटायरमेंट इनकम ठीक है ये सब की फॉर्म में क्या आता है मनी इनकम आपका आ सकता है दैट कुड बी इन द रुपीज एंड पैसा तो मनी इनकम इज कन्वर्टेड इंटू गुड्स एंड सर्विस रिक्वायर्ड फॉर डेली लिविंग एंड ऑफ एन अ पार्ट इज डेड इन टू द एंड फॉर द इन्वेस्टमेंट परपजेज तो यहाँ पर मनी इनकम क्या है सिंपल जो आपकी सैलरी की फॉर्म में आता है पैसा रुपी बोनस ठीक है रेंट आपका इंटरेस्ट बैंक से या फिर रिटायरमेंट इनकम तो ये सारा बेसिक जो इनकम आता है वो किस में आता है मनी इनकम में आता है जिसमें से आप कोई चीज़ क्या करते हो परचेज करते हो नाउ टॉकिंग अबाउट रियल इनकम राइट यहाँ पर रियल इनकम का मतलब क्या है मीन्स ऑफ फ्लो ऑफ कॉमोडिटीज एंड सर्विस अवेलेबल फॉर सेटिस ऑफ ह्यूमन एंड नीड्स पीरियड ऑफ टाइम रियल इनकम क्या होता है जिसमें ये स्टेगनेंट नहीं होती ठीक है ये क्या है स्टेटिक नहीं होती या स्टेगनेंट नहीं होती इट ऑलवेज मूव मतलब इसमें जो आपका गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है ठीक है ये क्या होता है नॉर्मल आपने क्या करा कोई चीज ली ठीक है वो आपकी क्या हो गई रियल इनकम में से आपने लिए जैसे प्रोड्यूस फ्रॉम योर है या फिर आप अपना बना रहे हो, तो उसमें जो इन्वेस्टमेंट होगी वो रियल इनकम से होगी तो रियल इनकम क्या है जिसमें क्या है देर इज अ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इट कंसिस्ट ऑफ गुड एंड सर्विसेज विश माइट और माइट नॉट बी माइट नॉट बी अवेलेबल विद मनी तो दिस इज़ काइंड ऑफ रियल इनकम अब रियल इनकम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एक डायरेक्ट इनकम एक इनडायरेक्ट इनकम अब ध्यान से सुनिएगा डायरेक्ट इनकम कौन सी होती है द इनकम विच आर अर्न फ्रॉम द बिजनेस ऑपरेशनल एक्टिविटीज नॉन एज डायरेक्ट इनकम जो आप बिजनेस इफ़ यू हैव अ बिजनेस तो वहां से जो इनकम आ रही है वो कौन सी होती है डायरेक्ट इनकम ठीक है अगर आपका कोई बिजनेस है और उस बिजनेस से आपको इनकम अर्न हो रही है तो वो होगी डायरेक्ट इनकम इनकम अर्न फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन विच द बिजनेस इज डीलिंग ठीक है अगर आपका कोई बिजनेस होगा और उस बिजनेस से आपके पास कोई इनकम आ रही है तो वो किस में आती है डायरेक्ट इनकम में आती है तो डायरेक्ट इनकम क्या है मनी दैट इज रिसीव्ड फ्रॉम डूइंग टास्क डायरेक्टली रिलेटेड टू हर बिजनेस टू मेक मनी तो डायरेक्ट इनकम क्या हो गई जो हम कहाँ से रिसीव करते हैं जो हम डेली टास्क करते हैं ठीक है जैसे मान लो आपका कोई बिजनेस है इफ यू हैव शॉप सपोज करो आपको कन्फेक्शनरी शॉप है तो वहां से जो आपकी इनकम आ रही है डेली की दैट कम्स अंडर डायरेक्ट इनकम ठीक है जो आपके बिजनेस से पैसा आ रहा है वो कौन सी इनकम होती है डायरेक्ट इनकम होती है ए हाउस विच इज़ फुली पेड फॉर एंड कम्युनिटी फैसिलिटीज लाइक पार्क रोड लाइब्रेरी ये सब किस में आता है डायरेक्ट इनकम में आता है आपसे एलिमिनेशन का क्वेश्चन आता है इसमें से कि रियल इनकम कौन सी है साइकिक इनकम कौन सी है डायरेक्ट इनकम कौन सी है और इनडायरेक्ट कौन सी है तो डायरेक्ट इनकम कौन सी होती है जो कि दैट आर फ्रॉम द बिजनेस ऑपरेशनल एक्टिविटीज इसमें आपके कम्युनिटी फैसिलिटीज भी आती है ठीक है जैसे आपके पार्क रोड लाइब्रेरी ये सारे किस में आते हैं डायरेक्ट इनकम में आते हैं नाउ कमिंग टू द इनडायरेक्ट इनकम इनडायरेक्ट इनकम में कौन सा आता है विच आर अवेलेबल टू द फैमिली ओनली आफ्टर सम मीन्स ऑफ एक्सचेंज ठीक है जो आपको आप एक्सचेंज करते हो जैसे आपने क्या करा यूज ऑफ मनी टू बाई गुड क्वालिटी ऑफ वेजिटेबल बिकॉज इट इन्वोल्वन स्किल एन एबिलिटी टू सिलेक्ट आप मार्केट में सब्जियाँ ख़रीदने जा रहे हैं तो आप जब सिलेक्ट कर रहे हैं सब्जियों को तो आपको क्या पता है आपके पास स्किल्स है कि आप अच्छी क्वालिटी की सब्जियाँ खरीद रहे हैं तो वो जो आप एक्सचेंज कर रहे हैं पैसा आप पैसा दे रहे हैं आप सामान खरीद रहे हैं तो वो कौन सा आता है इनडायरेक्ट In इनकम में आता है जिसमें क्या कर रहे हो आप परचेज कर रहे हो जिसमें आप पैसे को क्या कर रहे हो एक्सचेंज कर रहे हो तो ये किस में आता है इनडायरेक्ट इनकम में आता है तो इनडायरेक्ट इनकम का मतलब क्या है द इनकम विच आर अवेलेबल टू द फैमिली ओनली आफ्टर सम मीन्स ऑफ एक्सचेंज इनडायरेक्ट इनकम इज रिवेन्यू डिराइव फ्रॉम सोर्सेज अदर देन यूर बिजनेस ये हमारा बिजनेस का नहीं होता ये जबकि अगर हमें कोई सामान खरीदना है हम परचेज़ कर रहे हैं हम मनी दे रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है देर इज़ अ एक्सचेंज तो इसको हम क्या बोलते हैं इनडायरेक्ट इनकम इनडायरेक्ट एक्सपेंसिस कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप कहाँ से क्या चीज परचेज कर रहे हो वो भी डिपेंड करता है वन दैट इज़ ग्रेन फ्रॉम नॉन बिजनेस एक्टिविटीज इज़ इनडायरेक्ट इनकम जिसमें हम नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़ देखते हैं जैसे आपने क्या करा सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़ पेपर सेल्स ऑफ कार्डबोर्ड बॉक्सिस ये सारे किस में आता है इनडायरेक्ट इनकम में आता है जबकि जो बिजनेस एक्टिविटी रिलेटेड होती है जिसमें बिजनेस एक्टिविटीज़ जो रिलेटेड होती है वो होती है यहाँ पर डायरेक्ट इनकम और ये किसका पार्ट है आपकी रियल इनकम का पार्ट है तो इनडायरेक्ट इनकम कौन सी हो गई? जब आप एक्सचेंज कर रहे हो जैसे आप सब्जियां खरीद रहे हो तो पैसे दे रहे हो आपको सब्जियां मिल रही है तो वो कौन सा आ गया इनडायरेक्ट इनकम में आ गया साइकिक इनकम में क्या है ऐसी इनकम इसको आप सेटिस्फेक्शन इनकम भी बोल सकते हो इट इज़ अ सेटिसफेक्शन दैट रिजल्ट फ्रॉम द ऑनरशिप एंड यूटिलाइजेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ठीक है आपने कोई सामान खरीदा तो आप उस सामान को खरीद के कितना इन्जॉय कर रहे हो कितना सेटिसफाई हो सपोज करो आपने एक फर्नीचर खरीदा ठीक है आपने फर्नीचर खरीदा आप उस फर्नीचर को यूटिलाइज कर रहे हो तो आपको लगा कि पैसे सही जगह हमने इन्वेस्ट किया है क्योंकि अच्छा सामान आया है ना तो जब आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है उस इनकम से जो आपने लगाई है फर्नीचर पे जब आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही है गुड्स एंड सर्विसेज पे तो वो कौन सी होती है साइकिक इनकम होती है तो इसको हम सेटिस्फेक्शन इनकम भी जनरली बोल सकते हैं द प्लेजर एंड सेटिस्फेक्शन दैट समवन गेट्स फ्रॉम डूइंग देयर जॉब रादर देन द मनी दैट दे अर्न फ्रॉम द डूइंग इट जैसे आप किसी जॉब को इंजॉय कर रहे हो आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है बजाय जो आप मनी अर्न कर रहे हो तो ये किस में आता है साइकिक इनकम में आता है सेटिस्फेक्शन डिराइड फ्रॉम द रियल इनकम It, इसको आप क्या बोलते हो दैटिस्फेक्शन दैट इज डिराइड फ्रॉम द रियल इनकम इट इज डिफिकल्ट टू साइकिक इनकम इन द टर्म ऑफ क्योंकि ये क्या है हम इसे प्लेजर और सैटिस्फेक्शन देखते हैं इट इज अ फॉर्म ऑफ हिडन इनकम काफी बार क्वेश्चन आता है हिडन इनकम से तो साइकिक इनकम को आप क्या बोलोगे हिडन इनकम बोलते हो इट इज इनटैंजिबल जिसको आप टच नहीं कर सकते ठीक है जिसको आप टच नहीं कर सकते एंड सब्जेक्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ लिविंग ठीक है अब इसमें क्या क्या आता है पावर प्रेस्टाइज रिकॉग्निशन फेम ये सारे क्या होते हैं साइकिक इनकम आता है जिसमें हम क्या देखते हैं प्लेजर एंड राइट तो इसमें हम क्या चेक कर रहे हैं प्लेजर और सेटिसफेक्शन जब हम किसी चीज पे इन्वेस्ट करते हैं तो जैसे इसमें क्या क्या इंक्लूड है पावर प्रेस्टाइज रिकॉग्निशन फेम ये सारा किसमें आता है साइकिक इनकम में आता है द ग्रेटर द साइक इनकम एक्सपेक्टेड द मोर अ कंज्यूमर इज विलिंग टू स्पेंड ऑन अ परचेज जो साइकिक इनकम अच्छी होगी तो कस्टमर और ज्यादा गुड्स को खरीदेंगे जैसे अगर हमें किसी फर्नीचर को देख के सेटिस्फैक्शन मिला जैसे हमने कोई फर्नीचर परचेज किया था तो हमें अच्छा लगा उसके चेयर्स अच्छी हैं टेबल्स बहुत अच्छी है तो हमें एक सेटिस्फैक्शन मिली कि हमने सही जगह पर पैसा इन्वेस्ट करा है तो जितना ज़्यादा यहाँ पर साइकिक इनकम होगी मतलब जितना ज्यादा हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा उतना ही क्या होगा हम परचेज ज्यादा करेंगे या कंज्यूमर जो है परचेज ज्यादा करेंगे तो ये जो थी टाइप्स ऑफ इनकम थी जहां से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ना सप्लीमेंटेशन ऑफ फैमिली इनकम सप्लीमेंटेशन का मतलब क्या होता है सप्लीमेंटेशन इज अ वीकली टैक्स फ्री पेमेंट अवेलेबल टू अ मैरिड और अनमैरिड एम्प्लॉय विद चिल्ड्रन जो आपको क्या मिलता है टैक्स फ्री पेमेंट मिलती है ठीक है उसको आप बोलते हो सप्लीमेंटेशन जिसमें आपको एक्स्ट्रा फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है ठीक है जिसकी कम पे होता है तो सप्लीमेंटेशन का मतलब क्या है सप्लीमेंटेशन इज अ वीकली टैक्स फ्री पेमेंट अवेलेबल टू मैरिड और अनमैरिड एम्प्लॉय विद चिल्ड्रन इट गिव्स एक्स्ट्रा फाइनेंशियल सपोर्ट टू पीपल ऑन द लो पे जिसका फाइनेंशियल सपोर्ट मतलब एक्स्ट्रा फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं जि, जिसकी सैलरी बहुत ज्यादा कम होती है इन द प्रेजेंट टाइम वेयर प्राइस इंडेक्स इज राइजिंग एवरी डे डिमांड्स आर ऑल्सो इंक्रीजिंग वन हैज़ टू रियली वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू इम्प्रूव हिज इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड गेट ऑल द मटीरियल कम्फर्ट प्रेजेंट टाइम में क्या है यहाँ पर प्राइस इंडेक्स धीरे धीरे बढ़ रहा है महंगाई बढ़ रही है जिसकी वजह से क्या हो रहा है यहाँ पर डिमांड्स भी लोगों की इंक्रीज हो रही है अब डिमांड्स इंक्रीज हो रही है तो हमें क्या करना पड़ेगा इफेक्टिव मनी मैनेजमेंट करना पड़ेगा एडिशनल इनकम हैज टू बी जनरेटेड फॉर दिस अगर हमें पूरा कंफर्ट चाहिए अपनी क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इंक्रीज करना है तो मनी मैनेजमेंट के साथ साथ हमें क्या करना है यहाँ पर एडिशनल इनकम भी जनरेट करनी है फैमिली के लिए तो ये किस में आता है सप्लीमेंटेशन सप्लीमेंटेशन का सप्लीमेंटेशन का यहाँ पे जर्नली मतलब क्या होता है सप्लीमेंटेशन का यहाँ पे जर्नली मतलब होता है एडिशन ठीक है मतलब जो आपकी नॉर्मल सैलरी है उसमें दूसरी सैलरी को जनरेट करना ताकि आपका जो लाइफ है वो इंप्रूव हो जाए साथ साथ आप फैमिली की फैमिली मेंबर्स की लाइफ को भी क्या करो सपोर्ट करो नाउ बजटिंग जब भी हम बजटिंग की बात करते हैं इसमें हम बजट बनाते हैं अपना है ना जैसे आपका मंथली इनकम आता है तो आप क्या करते हो बजट प्रिपेयर करते हो कि हमें किस में क्या इन्वेस्ट करना है तो बजट में क्या आता है डिफरेंट फैमिलीज हैंडल बजटिंग इन डिफरेंट वे सब एक फैमिली का अलग अलग बजट बजट या मनी मैनेजमेंट होता है किसी फैमिली का कम बजट होता है किसी फैमिली का बहुत हाई बजट होता है डिपेंडिंग ऑन द इनकम और ऑन द साइज ऑफ द फैमिली तो बजटिंग कैन हेल्प यू एंड यूर फैमिली टेक द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स कंट्रोल यूअर मनी तो यहाँ पर जब भी हम मनी मैनेजमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात करते हैं बजट के बारे में बात करते हैं क्योंकि बजट से हम क्या कर सकते हैं मनी को कंट्रोल कर सकते हैं तो बजटिंग में क्या होता है इट कैन ऑल्सो हेल्प यू टू अवॉइड द डेप कि आप किसी भी तरह का लोन ला ना लो पहले आप बजट यहाँ पर प्रिपेयर करते हो द की टू बजटिंग इज स्पेंड लेस देन यू अर्न जितना आप कमा रहे हो उससे आप कम खर्चा करो ठीक है बजट बना के चलो तो यहाँ पर आपने क्या करा सबसे पहले आपको लिस्ट बनानी है कितना आपने अर्न करा है कितना आपको स्पेंड करना है और कितना आपको अपने पास रखना है तो ये सारा हम बजटिंग में प्लानिंग करते हैं तो बजट क्या है इट इज अ मोस्ट कॉमन प्लानिंग डिवाइस फॉर द यूज ऑफ मनी कि आपको किस तरह से मनी को यूटिलाइज करना है और बजट जो है फ्यूचर के लिए भी आप देखते हो जैसे मान लो आपने सेविंग्स करी फॉर द फ्यूचर तो आपने तब का भी बजट यहाँ पर बना के चला द रिप्र इट रिप्रेजेंट द फर्स्ट स्टेप इन द मैनेजरियल प्रोसेस एज अप्लाईड टू द मनी नाउ इस अगर आप बजट बना लेते हो ठीक है तो किस किस फैक्टर्स पर वो डिपेंड करता है रियलिस्टिक होना चाहिए फ्लेक्सीबल होना चाहिए ठीक है To the group for which is it is prepared जिसके लिए आप बजट बना रहे जैसे सपोज करो आपने फैमिली बजट बनाया तो वो कैसा होना चाहिए फ्लैक्सीबल होना चाहिए मतलब आपके पास रिसोर्सिस की भी कमी नहीं होनी चाहिए साथ ही साथ आपको क्या हो आपकी फ्यूचर के लिए मनी सेविंग्स भी हो जाए तो जब भी हम बजट प्रिपेयर करते हैं वो हमेशा हम जनरली फैमिली को देख कर ही यहाँ पर करते हैं नाउ क्वालिटी और कंट्रोल क्वालिटी ऑफ द कंट्रोल एंड इवेलुएशन स्टेप विच फॉलो जैसे आपने क्या करा जब आप बजट बना रहे हो सबसे पहले आप क्या करते हो प्लानिंग करते हो ठीक है प्लानिंग कर रहे हो ना जैसे मान लो आपने इस मंथ का क्या करा बजट बनाया कि हमारा इतना बजट है तो सबसे पहले आप प्लान करोगे कोस्ट एनालिसिस करोगे देन आप उसको स्पेंड करोगे मनी को ठीक है तो फैमिली बजट गिव इन डिटेल दैट द इनकम एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली फॉर अ मंथ और अ ईयर इट मेंशन एज ऑल द सोर्सेज ऑफ इनकम ड्यूरिंग द पीरियड एंड ऑल ऑल द आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर अंडर फूड क्लोथिंग हाउसिंग एंटरटेनमेंट ट्रैवल एजुकेशन हेल्थ एंड मेडिसिन एंड सेविंग तो ये सभी फैक्टर्स पर देख के आप क्या करते हो बजट प्रिपेयर करते हो तो ये सारे फैक्टर्स आते हैं आपके बजटिंग में अब यहाँ पर कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं जब हम बजट बनाते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं लिस्ट ऑफ कॉमोडिटीज इसका क्वेश्चन आता है ठीक है इसका क्वेश्चन आता है स्टेप्स को अरेंज करना ठीक है इसका क्वेश्चन कैसे आता है स्टेप्स की अरेंजमेंट आती है कि हम बजट प्लानिंग में कैसे स्टेप्स को अरेंज करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे लिस्ट ऑफ कॉमोडिटीज़ जब भी आप बजट बना रहे हो तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं यहाँ पर कॉमोडिटीज़ की लिस्ट देखते हैं कि आपको क्या क्या सामान खरीदना है ठीक है जब आप बजट बना रहे हो तो सबसे पहले आप कॉमोडिटीज़ देखोगे कि आपको क्या क्या किस किस पे स्पेंड करना है फूड पे ठीक है आपका हाउस होल्ड ऑपरेशन इनकम टैक्स पर्सनल अलाउंसेस एजुकेशनल मेडिकल मिस क्लिनियस प्रोविजन फॉर द फ्यूचर ये सब किस में आता है सबसे पहले जब आप लिस्ट प्रिपेयर करते हो दूसरा जब आपने लिस्ट प्रिपेयर करी उसके बाद आप क्या करते हो कॉस्ट एस्टिमेशन करते हो सबसे पहले क्या हुआ आपने लिस्ट प्रिपेयर करी देन आपने कॉस्ट को एस्टिमेट करा कि आपका कितना खर्चा आने वाला है फॉर एग्जांपल इफ प्राइसेस आर शोइंग एन अपर ट्रेंड सफिशिएंट मार्जिन शुड बी अलाउड टू कवर सच इंक्रीज जैसे मान लो कुछ आपने क्या करा कुछ महंगा सामान खरीद लिया या बहुत महंगाई हो गई तो आप क्या करो थोड़ा सा सब्सटीट्यूट कर लो या फिर थोड़ा सा कम इन्वेस्ट कर लो ताकि आप मनी को भी इफेक्टिवली मैनेजमेंट कर सको तो सबसे पहले हमने क्या बनाई लिस्ट बनाई ठीक है सेकेंड हमने क्या करा कॉस्ट को एस्टिमेट करा थर्ड हमने देखा टोटल एक्सपेक्टेड हमारे इनकम कितनी है ठीक है इट इज हेल्पफुल टू लिस्ट इनकम जैसे आप घर में लिस्ट बनाते हो ना कितना ये सामान लाना है फिर आप प्लान करते हो कि आपकी सैलरी कितनी है ठीक है फिर आप कॉस्ट एनालिसिस करते हो तो थर्ड स्टेप वुड बी टोटल एक्सपेक्टेड इनकम जिसमें आपको क्या देखनी है आपकी एक्सपेक्टेड इनकम कितनी है ठीक है इट इज हेल्पफुल टू लिस्ट इनकम अंडर टू हेडिंग सच एज अश्योर्ड एंड पॉसिबल इनकम द बजट शुड इंश्योर दैट नेसेसिटीज आर टेकन केयर फ्रॉम द दश्योर्ड इनकम एंड नॉट नेसेसरी आइटम कैन बी ऑप्टेन फ्रॉम पॉसिबल इनकम तो यहाँ पे एश्योर्ड इनकम क्या है जिसमें आपके पास जो आपकी बेसिक नीड्स हैं ठीक है जैसे आपका खाना हो गया हाउस रेंट हो गया तो ये सारे आपको पहले पूरा करना है बाद में किस पे जाना है पॉसिबल इनकम पे जो कि आपका सेकेंडरी चीजें को खरीदने के लिए होती है प्राइमरी चीजें जो आप खरीद रहे हो जैसे खाना खरीद रहे हो रेंट पे कर रहे हो तो ये सारा किस में आता है एश्योर्ड इनकम में आता है और पॉसिबल इनकम में क्या आता है जिसको हम किससे ऑप्टेन करते हैं जो हमारे लिए ज्यादा जरूरी नहीं होता तो इसलिए हम इसको सेकेंडरी में काउंट करते हैं तो जब हमने अपने इनकम चेक कर लिया देन ब्रिंग एक्सपेक्टेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन टू द बैलेंस फिर आपने क्या करा जो आपकी एक्सपेक्टेड इनकम है और जो आपने एक्सपेंडिचर इनकम आई है उसको क्या करना है बैलेंस करना है टू ब्रिंग बैलेंस दीज टू वेज वन कैन इधर इंक्रीज द इनकम और कट द कट द एक्सपेंडिचर ही अगर आपको ज्यादा यूटिलाइज करना है रिसोर्सेज पे तो या तो आप अपने एक्सपेंडिचर को कट कर दो या फिर अपना इनकम इंक्रीज कर दो तो जब भी हम बजट प्लानिंग कर रहे हैं तो ये सारे स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं नाउ लास्ट में हम प्लान्स को चेक करते हैं ठीक है कि यहाँ पर जब जैसे मान लो आपने बजट बना ले लास्ट में देखो कि आपकी फैमिली की नीड्स पूरी हो पा रही है या नहीं हो पा रही है क्या आपके पास बजट है अगर आपके पे कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है क्या यहाँ पे फंड आप जॉइंट फंड आपने रखा हुआ है इमरजेंसी पीरियड के लिए आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है फैमिली के लिए तो ये सारा किस में आता है बजटिंग में आता है तो यहाँ पर ये क्या है मनी मैनेजमेंट है ठीक है तो यहाँ से जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो टाइप्स ऑफ इनकम से आता है ठीक है से बहुत सारे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दूसरा यहां पर अरेंजमेंट ऑफ बजटिंग करते हो अरेंजमेंट स्टेप्स ऑफ ठीक है जब बजट बनाते हो तो यहां पर स्टेप्स कौन कौन से हैं सबसे पहला आपको क्या करना है लिस्ट बनानी है कॉमोडिटीज़ की देन कॉस्ट एस्टिमेट करनी है फिर आपको टोटल एक्सपेक्टेड इनकम देखनी है फिर आपको क्या देखना है एक्सपेक्टेड इनकम और एक्सपेंडिचर इनकम को बैलेंस करना है प्लान्स को चेक करना है कि आपके पास जैसे मान लो सपोज करो आपने बजट बना लिया ठीक है सपोज करो आपने मंथली बजट बनाया अपनी फैमिली के लिए थर्टी थाउजेंड ठीक है आपके पास थर्टी थाउजेंड है और आपकी सैलरी कितनी है थर्टी फाइव बजट हजार से हुए बट आप इस में ये भी तो देखो ना कि आपकी फैमिली की नीड्स पूरी हो पाएंगी आने वाले फ्यूचर में नहीं हो पाएगी क्या आपके पास इमरजेंसी पीरियड में कोई पैसा बचेगा नहीं बचेगा क्या आपके लिए लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए पांच हजार काफी है नहीं है इसलिए यहाँ पर आप क्या करो या तो अपने क्या करो एक्सपेंडिचर को कट कर दो ठीक है सामान कम खरीदो या फिर क्या करो अपनी नीड्स को कम करो या फिर अपनी सैलरी को मतलब या फिर अपनी इनकम को इंक्रीज करो राइट तो जब भी हम मनी मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं या बजट बनाने की बात कर रहे हैं तो हम हमेशा सबसे पहले किस पे फोकस करते हैं नीड्स ऑफ द फैमिली की फैमिली की नीड्स क्या है ठीक है अगर आपके डिज़ायर्स और नीड्स कम भी हैं तो फिर आप क्या करो एक्सपेंडिचर को कट कर दो और अगर नीड्स ज़्यादा है तो आप सैलरी को इंक्रीज़ कर दो तो ये सारे जो स्टेप्स हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं रिलेटेड टू द मनी मैनेजमेंट होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा अब आपका एग्ज़ाम भी आ रहा है तो अपनी कंसिस्टेंसी को आप मेंटेन करे रखिए एंड पेशेंस रखिए सब अच्छा होगा आपका जरूर क्वालिफाई होगा बस आप पी वाई क्यूज़ को करते रहिए साथ साथ और जो भी हम ये पढ़ रहे हैं इनमें से जो मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ उनको भी आप स्टार मार्क करते रहिए अपना ध्यान रखिए थैंक यू सो मच बाय एंड टेक केयर एवरी